शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना तो है और साथ ही आधारभूत ढांचा जिसमें भवन की उपलब्धता भी है। ग्राम गेदरा और कोहिनपारा नगरी ब्लॉक से 27 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां तो स्कूल भवन है, लेकिन आइए हम जानते हैं यहां कैसी है यहां की स्कूल की हालत। भवन की समस्या ये है कि उसमें दरार आ गई है, एक कमरा पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और अध्ययन अध्यापन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। कौन से सन में तैयार हुई? 2002 में तैयार हो गई और इस जर्जरता के संबंध में बीओ कार्यालय को सूचित किया गया है फोटोग्राफ से लेकर के। अभी हमारे स्कूल में कक्षा छठवीं रूम दलाल आ गया है, जब हम छठी पढ़ रहे थे तब थोड़ा थोड़ा आ गया था, उसके बाद छठवीं में थोड़ा और आठवीं में बहुत बढ़ गया है। क्या आप लोगों को डर लगता है क्या वहाँ पर बैठने से? जी। क्या चाहते हो फिर अब आप लोग? नया बन जाने। गेदरा में जो मिडिल स्कूल है और कोहिनपारा के प्राइमरी स्कूल है, वहाँ का जो भवन है जर्जर अवस्था में है और पिछले 5 साल से वो लोग आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही वहाँ पर नहीं हुई है। तो इसका क्या कारण है सर, क्यों कार्यवाही नहीं हो पा रही है? प्रतिवर्ष चलता है, इस बार भी हमने जितने जर्जर विद्यालय हैं सारे का एस्टीमेट बना के भेजा गया है। इस बजट सत्र में निश्चित रूप से लिंक बनने की संभावना है। इस बार जिसमें आप भेजे हैं अभी नया एस्टीमेट, उसमें गेदरा और कोहिनपारा के स्कूल शामिल हैं? शामिल है। तो आने वाले सत्र में बच्चे वहां पर बैठ के पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं समझे। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डी के सूर्यवंशी को उनके मोबाइल नंबर 97-13-22-33-56 इस नंबर पर कॉल करें और भवन निर्माण जल्द से जल्द करवाने के लिए अपील करें। मैं रीना रामटेके, ग्राम कोहिनपारा गेदरा, विकासखंड नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहट के लिए।